हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से नेक्स्ट अपकमिंग वंदे भारत ट्रेन को लेकर के बात करने वाला हूं। और रिसेंटली भी मैंने आप सभी के साथ एक रूट शेयर करा था वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि काफी समय से पेंडिंग है। और उस रूट को लेकर के भी रिसेंटली ही मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रूट भी फाइनलाइज होने वाला है। इस रूट के ऊपर भी जल्द ही वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, जो कि हमारा वाराणसी से हावड़ा के बीच का रूट था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको कौन सी वंदे भारत ट्रेन किस रूट के ऊपर देखने को मिलेगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये जो अपडेट है दोस्तों, इंडिया टीवी मीडिया हाउस की तरफ से, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन की ये अपडेट है, 5:12 की पोस्ट है ये। और इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएम मोदी लाइकली टू फ्लैग ऑफ चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत एक्सप्रेस इन तमिलनाडु ऑन 6 अगस्त। और दिस वंदे भारत ट्रेन विच हैव 8 coaches, तो यानी कि दोस्तों ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी 8 coaches की एक मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस ही रहने वाली है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 2 घंटों का ट्रेवल टाइम जो है पैसेंजर्स का बचाने वाली है रेगुलर ट्रेन्स के कंपैरेटिवली। तो इस रूट के ऊपर चलने वाली दोस्तों हम कुछ ट्रेन्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 650 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो करंट एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं वो लगभग 10 से 11 घंटों का समय लिया करती है। जो लोएस्ट यहाँ पे समय लिया जा रहा है करंटली एग्जिस्टिंग ट्रेन्स में वो 10 घंटे और 50 मिनट का है, और कुछ ट्रेन्स में जो है 10 घंटे 20 मिनट का भी समय। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 11 घंटों का समय यहाँ पे लिया जा रहा है। और इस वंदे भारत के आ जाने के बाद इस 650 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो लगभग 7 से 8 घंटों का समय लिया करेगी। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस का दोस्तों जो हॉल्ट है वो सिर्फ 2 स्टेशनों के बीच में रहने वाला है। एक रहने वाला है त्रिचे और दूसरा मदुराई। और इसी के साथ दोस्तों ये तमिलनाडु की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रहने वाली है। करंटली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंदे भारत ट्रेन है तमिलनाडु के अंदर में। पहली चलती है चेन्नई से मैसूरु के रूट के ऊपर, और दूसरी है चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस रहने वाली है। और करंटली इंडियन रेलवेज लगभग 25 वंदे भारत ट्रेन्स का जो है सक्सेसफुली ऑपरेशंस कर रही है, और कुछ वंदे भारत ट्रेन्स ऑक्यूपेंसी के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई, और कुछ वंदे भारत ट्रेन्स जो है रिप्लेस करी गई है तेजस एक्सप्रेस के कोचेस के साथ। जैसे कि हमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत को भी अब तेजस कोचेस के साथ ही रिप्लेस कर दिया गया है। तो जहां पर पैसेंजर्स ऑक्यूपेंसी कम मिल रही है वहां पर तेजस एक्सप्रेस के कोचेस से रिप्लेस भी करा जा रहा है वंदे भारत ट्रेन्स को, और जहां पर ऑक्यूपेंसी ज्यादा देखने को मिल रही है वहां पर 16 coaches की वंदे भारत ट्रेन्स चलाई जा रही है। और इसे इन फ्यूचर बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्लीपर वर्जन की वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है आने वाले कुछ समय में। तो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑब्वियसली आपको 24 कोचेस देखने को मिलेंगे। तो वंदे भारत के साथ साथ दोस्तों वंदे साधारण जैसी जो ट्रेन है वो इस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी इंडियन रेलवे के नेटवर्क में कि स्लीपर कोचेस की जो संख्या को घटाया जा रहा है करंटली एग्जिस्टिंग ट्रेन में से। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जिन ट्रेन में 10 स्लीपर के कोचेस मिला करते थे पहले, वहां पर 5 या फिर 6 कोचेस यूज करे जा रहे हैं, और धीरे धीरे इन कोचेस की जो संख्या उनको कम करा जा रहा है, वहां पे वंदे साधारण जैसी ट्रेन्स को लेकर के आया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को होने में काफी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन रेलवेज जो है काफी ज्यादा तेजी से जो है इन कोचेस को घटा रही है, भले हम बात करें जनरल के कोचेस की या फिर स्लीपर के कोचेस की, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को काफी ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है। वैसे थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चले गए, लेकिन ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों जहां तक मुझे पता है ये 26 वंदे भारत एक्सप्रेस रहने वाली है इंडियन रेलवे के नेटवर्क में। इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेन को 6 अगस्त के दिन हमारे पीएम मोदी जी फ्लैग ऑफ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रेलवेज ने इस चीज के ऊपर ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंस नहीं करा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 6 अगस्त के दिन इस ट्रेन की अनाउंसमेंट करी जा सकती है, और आपको ये ट्रेन सडनली अनाउंस होते हुए सुनने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।